रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने ॐ आपदाम्बहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Today we will read chapter 9 and chapter 10. Chapter 9 having 20 verses and chapter 10 at 33 verses. In chapter 9, there is a dialogue between Emperor Dasharatha and Sumantra after the emperor's decision to have the Ashwamedha Yajna in order to have beget his sons. नमस्कार। आज हम बाल कांड के नवम एवं दशम सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण आरंभ करने जा रहे हैं। नवम सर्ग में 20 श्लोक हैं, जबकि दशम सर्ग में 33। नवम सर्ग में सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग को सुनाने को लेकर उल्लेख किया गया है, जबकि दशम सर्ग में अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। एतच्छुत्वा रहसूतो राजान मिदं ब्रवीत श्रूयताम तत् पुराव्रतम पुराणे च मया श्रुतम। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। हियरिंग ऑफ दिस इंटेंशन ऑफ द एम्परर दशरथ टू अंडरटेक अ हॉर्स सैक्रिफाइस फॉर बीइंग ब्लेस्ड विद अ सन, सुमंत्रा द चैरियटर एज वेल एज अ मिनिस्टर ऑफ दशरथ स्पोक टू द किंग इन प्राइवेट एज फॉलोज। Kindly listen to a popular legend also heard by me in the course of a Puranic exposition. Ritvik Bhiru Padishtoyam Puravrato Maya Shrutaha Sanat Kumaro Bhagwan Purvam Kathitvan Katham Rishi Nam Sannidhau Rajan Sattva Putra Gamam Prati। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेधरू उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें सुनी हैं। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। दिस एक्सपीडियंट इन द फॉर्म ऑफ अ हॉर्स सैक्रिफाइस रेकमेंडेड बाय द प्रीस्ट्स वशिष्ठा एंड अदर्स has also been heard of by me as the theme of a legend. The omniscient sage Sanat Kumara, O King, foretold of yore an anecdote in the presence of seers in connection with the future birth of the four of your sons. The narrative as told by Sanat Kumara runs as under. There is a son born to the sage Kashyapa and known by the name of Vibhandaka. Kashyapasya cha putrosti विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्य संवृद्धो मुनिर्वञ्चरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृङ्ग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विपेन्द्रो नित्यं पितृ पितृनु वर्तनात् देविघ्य विघ्यं ब्रह्मचरस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे,
राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। A son who will be known by the name of Rishyashringa will be born to the later the son of Kashyapa, who is known as Vibhandaka. Constantly brought up in the woods and ever moving about in the woods alone, the aforesaid hermit, who will be a ruler of the Brahmanas, will know nothing about the world beyond the constant service to his fathers, Vibhandaka. Both the types of brahmacharya, celibacy, well known in the three worlds, and ever extolled by the Brahmanas, will be observed by the high-souled sage. Time will roll past the said young sage, even while living as aforesaid in the woods, with his own father, as his teacher attending the sacred fire, as well as his illustrious father. Tasya evam vartmanasya kalah sambhi vartata agnim shushrush manasya pitram cha yashasvinam. Is prakar रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्टियां तु वृतायां राजा दुख समन्वित ब्राह्मणांच्युत संवर्धनान समानीय प्रवक्षति। भवन्तः शतु कर्माणो लोकचारित्र वेदिनाः समादिश्यन्तु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। In those very days of the course, the glorious and mighty Romapada will be the well-known ruler of Anga territory. Through some transgression by that king, there will be a most severe and fearful drought that will be a source of terror to all men. When a drought has actually set in, the king, full of agony, will call together Brahmanas advanced in learning and address them as follows. You have heard about my past actions, which are responsible for this drought and are aware of the practices of the world. Ityuktaste tato ragya sarve brahman sattamaha vakshyanti te mahipalam brahmana vedpargaha. Raja ke aisa kehne par वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। Kindly enjoin a course of discipline by undergoing which of my sins may be atoned for. All the aforesaid jewels among the Brahmanas will be requested in these words by the king Romapada. विभंडक सुतम राजन सर्वोपायेरी हानये आनाय तू महीपाल ऋष्य श्रृंगम सुसत्कृतम। विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणम वेद पारगम प्रयच्छ कन्याम शांताम वै विधिना सुसमाहितः। राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्य श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए।
तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यमिहा नेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। And the said Brahmana, all masters of the Vedas, will speak to the king as follows. Fetch here all the possible means of the sage Rishyashringa, son of sage Vibhandaka, O king. Causing Rishyashringa, Vibhandaka's son, a Brahmana well-versed in the Vedas, to be brought with due reverence to your capital, O ruler of the earth. Give away to him in marriage your daughter Shamta, according to the scriptural ordinance. With a devout and unquestioning mind, O monarch. Hearing their suggestion, however, the king will fall amusing as to by what means the mighty sage can be brought to his capital. Having arrived at a conclusion in consultation with his counselors, the prudent king will then dispatch his family priests and ministers to bring with honor the young hermit to them. Tato Raja Minishchitya Saha Mantri Bhiratmavan पुरोहितं मात्यांश प्रेषयिष्यति सुकृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। They will, however, be distressed to hear the king's command and with drooping faces submit as follows. We are not prepared to go, afraid as we are of Rishi Vibhandaka, Rishyashringa's father, who was sure to curse us, who would try to lure his young hermit son from his father's presence, and will try to pacify the king in order to avert his displeasure, as their disobedience by assuring him that they would think out some other means of luring away the hermit and submit their proposal in that connection later. Te tu ragyo vachah shrutva vyathita विन्ताननाः न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यों कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यों कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रम् नचो दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। Duly deliberating on the feasible methods of luring away Rishyashringa from his father's hermitage, they will suggest their plan to the king and say, we shall try to fetch the youthful Brahman to your capital, and we shall do so in such a way that no blame will be attached to us. Eva mangadhi painev ganika bir rishe sutaha anito avarshya devah shanta chasmai pradiyate. इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे, फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द फैमिली प्रीस्ट्स एंड द मिनिस्टर्स ऑफ रोमपादा, द ऋषि सन ऋष्यशृंगा विल बी कॉज्ड रोमपादा the ruler of Anga territory to be brought to his own capital by the courtesans, when the rain god will cause clouds to send down rain, and Shamta, Dasaratha's daughter, adopted by Romapada, will be given in marriage to Rishyashringa. Rishyashringastu jamata putranstav vidhasayati sanat kumar kathit metavad vyahritam maya. Is tarha ऋष्यशृंग आपके जमाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। And Rishyashringa, your son-in-law, will actually get sons for you by pouring oblations into the sacred fire. This prophecy of sage Sanat Kumara has been reproduced by me
exactly as aforesaid. At Hrishto Dashratah Sumantram Pratyabhashat Yatharshya Shringastat Stvanito Yeno Payen Sochyatam. यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया था वह स्पष्ट रूप से बताओ। फुल ऑफ डिलाइट दशरथ फॉरविथ आस्क सुमंत्र, इट मे नाउ बी पॉइंटेड आउट टू मी हाउ एंड बाय व्हाट डिवाइस एंड इन विच वे द सेज ऋष्यशृंग वाज ब्रॉट टू द कैपिटल of Romapada. Ityashe Shri Madhramayane Valmikiye Adikavye Balkande Navamah Sargah. Is prakar Shri Valmiki Nirmit Ash Ramayan Adikavye ke Balkande Navamah Sarg Pura Hua. This ends Canto 9 in the Balkanda of the glorious Ramayana by Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. At दशम सर्गः शुभारम् सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्ष्य श्रृङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगन्धितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूं, आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। In Canto 10 we find how the sage Rishyashringa was lured away to the capital of Romapada and married to his adopted daughter Shanta. Urged by the king Dasharatha, Sumantra then made the following reply. Hear from me, O king, with your counselors as being exhaustively told by me how and by what device and in which way sage Rishyashringa was brought to the capital of Romapada by his counselors. Romapad muva chedam sahamatyah purohitah upayo nirpayo upaya smadbira vichintitah. Us samay amartyon sahit purohit ne raja Romapad se kaha, Maharaj, hum logo ne ek upay socha hai जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। Accompanied by the ministers, the family priest of Romapada spoke to Romapada as follows. The following unfailing expedient has been carefully thought of by us. ऋष्यशृंगो वनचरस्तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। Living as he does in the woods and not in escases, rich in escases and study of the Vedas, Rishyashringa is wholly unacquainted with the fair sex as well as with the objects of senses and the pleasures relating to them. Indriyarthe rabhi matair narchit pramathi bhi purmanaya yishyamah kshipram chadhya vasiyatam. Hum manushyo ke chit ko math dalne wale manovanchit vishyon ka pralobhan dekar unhein apne nagar mein le aayenge, atha iske liye shigra prayatn kiya jaye. We shall in no time cause him to be brought to the capital by means of pleasing objects of senses that attract the mind of men. Steps away, therefore, be taken towards this. Ganikas tatra gachantu rupavatyah swalankritaha pralobhya vividopar yera nishyantih satkritaha. Yadi sundar abhushanon se vibhushit manohar rupavali vaishyaen vahan jayen to ve bhali bhanti ke upayon se उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। Let beautifully adorned courtesans of comely appearance proceed there to the hermitage of his father. Received kindly by the useful sage, they will lure him away to this place by recourse to diverse devices. श्रुत्वा तथेति राजा
च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। Hearing this, the king Romapada said to the priest, "So be it." The family priest, in his turn, forthwith instructed the counselors. According to the later, they did as they were told, dispatched the courtesans with the necessary equipment. वार मुख्यास्तु तच्छुत्वा वनम् प्रविविशुर महत् आश्रम सया विदुरेस्मिन् यत्नम् कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। Hearing the royal command, the foremost of the courtesans of Romapada's capital entered the extensive forest and staying not very far from the hermitage of the sage Vibhandaka in the woodlands adjoining Shringevarapura, associated with the name of Rashyashringa, made attempts to have a look at the rishi's son, who was full of self-control and always stayed in the hermitage. Ever contented with his father's affection and fostering care, he never stepped beyond the hermitage. Rishe putrasya dhirasya nityamam shram vasinah pituhu sa nitya santushto nati chakram chashramat. Muni Kumar, Rishyashringa बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। नतेन जन्म प्रभृति दृष्ट पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत् सत्वम नगर राष्ट्रजम्। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। Since his very birth, that hermit boy had never before seen any man or woman, or for that matter, any other living being born in a town or in the countryside. तदा कदाचित तम देशमाज गाम यद्रिच्छया विभांडक सुतस्तंत्र ताश्चा पश्यत गरांगनाः। तदंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। Impelled by providence one day, Rishyashringa, the son of Vibhandaka, came out of his hermitage to the area where the courtesans were encamping and beheld there the aforesaid lovely women. Taschitra veshaha pramada gayantayo madhursvaram rishi putra mupagamya sarva vachanam bruan. Un pramadaon ka vesh bada hi sundar aur adbhut tha. Ve meethe swar mein ga rahi thi. Rishi Kumar ko aaya dekh sabhi unke paas चली आई और इस प्रकार पूछने लगी। Singing in a melodious strain, all the young women who were attired in different colors approached Rishyashringa and addressed him with the following question. कतस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुम् इच्छामहे वयम् एकसत्त्वं विजने दूरे वने चरसि शम्स नः। ब्रह्मन्, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। We desire to know, O Holy One, who are you and how you got here? Pray tell us, wherefore do you roam and all alone in the remote and lonely forest? अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रियः हार्दा तस्य मतीर जाता आख्यातुम पितरम स्वकम। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया,
इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। Women as they were, whose form had never been seen by him before in that forest, and who were endowed with such exterior worth and beauty, coveting, they appeared in him in an urge born of natural attraction to mention the name of his father and many other things too. Pita vibhandakos makam tasyaham sut aurasah rishyashring iti khyatam naam karmcha me bhuvi. वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ, मेरा ऋष्य श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। विभांडका इज द नेम ऑफ माई फादर एंड आई एम हिज सन, माई नेम इज ऋष्य श्रृंगा, माई परस्यूट इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टेरिटीज इज सेलिब्रेटेड इन दिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इह श्रम पदो अस्माकम समीपे शुभ दर्शनाः करिष्ये वो अत्र पूजाम वे सर्वेशाम विधि पूर्वकम। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर हैं, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है, आप मेरे आश्रम पर चलें, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। इन दिस वेरी फॉरेस्ट क्लोज बाय देयर इज द साइट ऑफ आवर हर्मिटेज, ओ लवली वंस, There I shall certainly offer worship and hospitality to you all with due ceremony. Rishi putra vachah shrutva sarvasam mati rasuvai tadashram padam drashtum jagmuhu sarvastatom anganaha. Rishi kumar ki yeh baat sunkar sab unse sehmat ho gayi, fir ve sab sundri stryan unka ashram dekhne ke liye वहां गई। On hearing the reply of Rishi Shringa, they appeared in all of them a resolve to see the site of his hermitage, and all the women accordingly departed from that place for his hermitage. गतानाम तु ततः पूजाम ऋषि पुत्रश्च चकारः इदमर्ध्यमिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। Rishya Shringa, so the tradition goes, then offered worship and hospitality to them, even as they arrived at his hermitage, saying, here is water to wash your hands, and here is water to wash your feet with, and here are the roots and the fruits offered to you by me. प्रतिग्रहय तुजा तुताम पूजाम सर्वा एव सुमुत्सुकाः ऋषेर भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय दधुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई, उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चले जाने का विचार किया। According to the aforesaid worship and hospitality offered to them, all of them actually made up their minds to return ill at ease, as they were scared and afraid of Rishi Vibhandaka, who had gone out on some errand at that particular moment. Asmakamapi mukhyani phalani mani he dvaj grahan vipra bhadram te bhakshyasv chamachiram. Ve boli, Brahman, hamare paas bhi ye uttam phal hain, vipravar, inhe grahan kijiye, आपका कल्याण हो, इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। While returning, they said, accept, O sage, these excellent fruits offered by us too, and eat them without delay, O holy one. This may do you good. तत्स्तास्तम समालिंगय सर्वा हर्ष समन्विताः मोदकान प्रददुस्त तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान छुभान। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। Closely embracing him and full of delight, they all gave him small round sweetmeats and various kinds of other dainty dishes to eat. तानि च स्वाद्य तेजस्वी फलानि तिस्म मन्यते अनास्वादित पूर्णा पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके
उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद देने का अवसर ही कहाँ है। अपृच्छ्य च तदा विप्रम व्रतचर्याम निवेद्य च गच्छन्ति समापदेशाता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। Even after enjoying them, the glorious sage took them for fruits alone, for they were such as he had never tasted before by those ever dwelling in the woods. Taking leave of the young Brahmana and telling him of some sacred observance to be gone through by them, those women then departed under the pretext, afraid as they were of his father. Gatasu tasu sarvasu kashyapsya tmajo dvijah aswast hrudayaschasid dukhach parivartate. Un sabke chale jane par kashyap kumar brahman rishi shing man hi man vyakul ho uthe और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। When they had all left the Brahmana, Rishyashringa sprung from the loins of Vibhandaka, felt uneasy at heart and was listless through agony. ततो अप्रे दुस्तम देशमा जगाम स वीर्यवान विभांडक सुतः श्रीमान मनसा चिंतयन मुहुः मनोज्ञा यत्र तादृष्टा वार मुख्याः स्वलंकृताः। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाटक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्ट्वैव च ततो विप्रमायांतम हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वास्तास्त मुचूरिदं वचः एयाश्रम पदं सौम्य अस्माकी मति चाब्रुवन। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। Thinking of them in his mind again and again, that powerful and glorious sage, Rishyashringa, son of Vibhandaka, departed from that place the following day to that area where those charming courtesans had been seen by him, beautifully adorned the previous day. Going forth to meet him with a delightful mind, the moment they saw the sage coming from his hermitage, they all then addressed to him the following request. Just pay a visit to our hermitage, O gentle one, and further spoke as follows. चित्रणा यत्र बहुनी सयुर्मूलानि च फलानि च तत्रापयेश विशेषेण विधिर ही भविता ध्रुवम्। यद्यपि यह नाना प्रकार के फल फूल फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। Although roots and fruits of various kinds may be had in abundance here, this process of entertainment will surely be gone through there in our hermitage in a special degree, even as compared to this place. Shrutva tu vachanam tasam sarvasam hridayangamam gamanaya matim chakretam cha ninyustatha striyah. Un sab ke manohar vachan sunkar Rishi Shring unke saath jane ko tayar ho gaye और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। Hearing the prayer of them all, which was so captivating to the heart, he made up his mind to go with them, and the women took him to the capital of King Romapada in the manner in a boat on the holy Ganga. तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलाद यंस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। Even while the high soul Brahmana, which was being escorted there to the Anga territory, the god of rain sent down a shower all of a sudden at that very time, bringing great joy to all of them. वर्षेणे वागतम विप्रम तापसंस नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिम
प्रहलाद शिरसा स महिम गता। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गोइंग फोर्थ टू मीट द एसेटिक ब्राह्मणा हु हैड अराइव्ड इन हिज किंगडम अलोंग विद द रेन, द सेड रूलर ऑफ मेन बोड लो टू द सेज एंड टच द ग्राउंड विद हिज हेड। अर्घ्यम च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादम विप्रेन्द्रान्मा विप्रम मनुयरा विशेत। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध ना हो। Fully composed in mind, he offered from with due ceremony water to wash his hands with and begged of the prince among brahmanas a boon to the effect that no rock might enter the mind of the sage or his father for having caused the sage to be lured away to his kingdom from his father's hermitage. Antahapuram praveshyasmai kanyam dattva yatha vidhi shantam shanten manasa raja harsham vapusah. तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। Having assured him into the gynecium and duly given him away with a tranquil mind to his daughter Shanta, the said king experienced great joy. एवं स न्यवसत तत्र सर्व कामहि सुपूजितः ऋष्यशृंगो महातेजाः शान्तया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। Duly entertained with all the desired objects in this way, the said Rashyashringa, who was possessed of unique glory, lived there in the gynecium of King Romapada with his wedded wife Shanta. Ityarshe Srimad Ramayane Valmikiye Adikavye Balkande Dashamah Sargaha. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का दसवां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 10 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Rama Namam Varanane ॐ आपदां बहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद धन्यवाद।